नमस्कार दोस्तों, आज हमें माँ जानकी ज्वेलर के पास जो कि शक्ति नगर के एक नंबर शॉप है, तो यहाँ पे जानेंगे कि इनकी स्ट्रगल जिस तरीके से इन्होंने कितने अपने आप को स्टेबलाइज किया और कितना इन्वेस्ट कर अपने 20 साल में अपने साम्राज्य को खड़ा किया। तो आप जानेंगे किस तरीके से आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अपने कितने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं और अधिक प्रॉफिट पा सकते हैं अगर ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इन्होंने कितने बहुत कम समय में अपने आपको स्टेबलाइज़ किया, आप देख सकते हैं। अगर आप भी अपना कितने चालू करना चाहते हैं तो आप भी चालू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया इसका। और इस तरीके से अंकल ने कितने अपने आप को बनाया, तो आप भी कितने हैं अपने गोल्ड बिजनेस में आगे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आ रहे हैं तो माँ जानकी ज्वेलर में ज़रूर आएँ। और यहाँ पे कितने जो सोने की क्वालिटी रहती है आपको हॉलमार्क के हिसाब से मिलेगी और कितने क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। नमस्कार दोस्तों, हम लोग हैं जानकी ज्वेलर जो कि शक्ति नगर में एक मशहूर शॉप है, जहाँ पे कितने हैं आप हर ब्रांड के ज्वेलरी से लेकर हर गोल्ड से लेकर हर तरीके के श्रृंगार के सामान आप पा सकते हैं। और यहाँ पे आप ज़रूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे कितने मैंने बचपन से देखा हूँ ये शॉप कितने हैं जिस तरीके से ब्रांडेड के कितने हैं हर चीज़ें आपको प्रोवाइड करती हैं, वो कितने हैं उसकी क्वालिटी मेंटेन करके चलते हैं। तो आज हम जानेंगे इन्होंने किस तरीके से कितने हैं अपने आप को आगे बढ़ाया और किस तरीके से अपना ब्रांड स्टेबलाइज़ किया पूरे शक्ति नगर में, और कितने सबको मुकाबला देकर ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इनकी स्ट्रगल स्टोरी सुनते हैं और आप कितने इन्वेस्टमेंट से आपको चालू करना चाहते हैं, तो किस में स्टार्ट कर सकते हैं और क्या आपको कितने मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगी और किस तरीके से आप मार्केटिंग करके अपने सेल्स को ग्रोथ कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे इस माँ जानकी ज्वेलर के ऑनर से, वो बताएंगे आपको अपने सक्सेस स्टोरी। गुड मॉर्निंग सर, आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये कंपनी माँ जानकी ज्वेलर कब स्टार्ट की? 90 में की थी। अच्छा, 90 में आपने कहते हैं, मतलब यहाँ पे आपका तो दो जगह शॉप है, एक बस स्टैंड में भी है, तो आपने पहले यहाँ पे चालू किया था कि वहाँ पे चालू किया था? अच्छा, अपना पूरा नाम बता दीजिए सर। अशोक कुमार वर्मा। ओके, हम अशोक कुमार वर्मा जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट से चालू किया था। तो आपने जब स्टार्ट किया था तो आपने के पास कितनी पूंजी आपने स्टार्ट की थी इसमें लगाने के लिए? क्योंकि बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि जिनके पास 50,000 रहता है, 1,00,000 रहता है, 2,00,000 रहता है, 5,00,000 रहता है, तो उनको एक मिनिमम एवरेज मिल जाए कि मुझे किस तरीके से स्टार्ट करना है अगर मैं ज्वेलरी बिजनेस में आऊँ। तो 90 में हम लोग तो 50,000 से स्टार्ट किए। अच्छा, मतलब 90 में आपने 50,000 के हिसाब से किया, मतलब उस हिसाब से मान लीजिए आज के हिसाब से लगेगा आपका 5,00,000 रुपए। हाँ, कम से कम 5,00,000 रुपए से आपको चालू करना पड़ेगा। तो किस वैरायटी में आप अधिक फोकस करते हैं, मतलब कि कौन सा ब्रांड आपका अधिक बिकता है जिसमें लोग कहते हैं उसमें चालू करें तो अधिक प्रॉफिट आए? हम लोग 906 हॉलमार्क का ही सामान बेचते हैं, मतलब टोटल हॉलमार्क रहता है। टोटल हॉलमार्क रहता है। तो कौन सी चीज़ें बहुत अधिक बिकती हैं? अंगूठी बिकती है, ज्वेलरी बिकती है, अंगूठी और कान के झाला वगैरह। ओके, नोज पिन वगैरह। अच्छा, मतलब अंगूठियाँ और कितने नोज पिन अधिक बिकती है? ज्वेलरी वगैरह कहते हैं अगर कोई करना चाहे शादी ब्याह में जिसे, अच्छा मतलब वेडिंग के लिए तो ज़रूरत रहती है, और ऐसे में अंगूठी तो कितने लोग ऐसे भी ले जा सकते हैं? जनरली अंगूठी, झाला वगैरह सब भी सब। ओके, जैसे आप मान लीजिए कितने अक्टूबर के ये दिवाली आती है, ठीक ना, और भी त्यौहार आते हैं, होली आता है, तो उसमें लोग अधिक क्या ले जाना चाहते हैं जो पसंद? लक्ष्मी गणेश की मूर्ति वगैरह। अच्छा, वो भी कितने लोग पसंद करते हैं जी। ओके, तो आप ये बताइए जब आपने चालू किया था तो आपको दिक्कत क्या आई थी, क्या क्या प्रॉब्लम आई थी? क्योंकि लोग कितने अपना भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे निपट के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं वो सब चीज़ें हमको जाननी पड़ेंगी। तो बताइए सर, आपको क्या प्रॉब्लम आई थी उस समय जब आपने 90 में चालू किया था? तो अनजान जगह पर हम लोग बलिया से आए थे। अच्छा, तो बलिया से आप थे? बलिया से हम लोग आए थे, तो पशु बस स्टैंड में गुजारा कर रहे थे, टूटा फूटा दुकान लेकर शुरू किए, स्टार्ट किए थे, और फिर एनसीएल में अप्लाई किया गया। विश्वसनीयता जरूरी है और सामान बढ़िया रहेगा तभी कोई कस्टमर। अच्छा, तो मतलब कि लोगों के मन में आपने विश्वास जगाया कि भाई यहाँ से आप देखिए कितने हैं, एक बार पहन के देखिए कितने आपको कैसा लगता है, और उसे कितने आप फिर क्वालिटी के हिसाब से आप मेरे पास से ले जाइए, तो लोगों में विश्वास जगा, फिर उसके बाद आपका ब्रांड बना जी। तो आपने कितने हैं कोई ट्रिक्स अपनाए, जैसे कि बहुत मार्केटिंग के लिए लोग बहुत अलग तरीके चलते हैं, कोई पैम्पलेट छपवाता है या कितने पोस्टर प्रचार के लिए एडवर्टाइजमेंट करता है? ये तो मान लीजिए कॉलोनी एरिया है ना, ये तो कॉलोनी एरिया शॉपिंग में एक ही दुकान है, हाँ सब कोई जानता है। अच्छा, तो यहाँ ज़्यादा कुछ मेरा दिक्कत नहीं हुआ।
अच्छा, मतलब ये एक सिंगल मोनोपोली का को फायदा मिला कि आपके सिंगल दुकान है तो लोग यहीं आएंगे तो यहीं पे आएंगे। बस स्टैंड में दुकान है, और जगह दुकानें हैं सर, तो पर कहते हैं यहाँ पे अकेले होने का तो आपको फायदा तो मिला, अकेले होने के सामान सही मिलने के। आजकल तो हॉलमार्क चला तो सब चेक चेक करके लेता है आदमी। तो दोस्तों आपको अपनी क्वालिटी भी मेंटेन करके चलनी चाहिए। अगर कहते हैं आप अगर ज्वेलरी बिजनेस में आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का भरोसा आप जब जीतेंगे तभी वो आपके यहाँ से सामान ले जाएंगे। इन्होंने यही टेक्निक अपनाई और अपने मार्केट को प्रमोट किया और उस पर सेल्स बढ़ाई। तो आप भी अगर ज्वेलरी बिजनेस में करना चाहते हैं तो लोगों का विश्वास जरूर जीतें और उस हिसाब से अपने मार्केट टेक्निक अपनाएं। तो सर कहते हैं आपने कहते हैं ये तो लगभग कहते हैं 20 साल का सफर तय किया, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आई आपको? जैसे बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं बहुत लोगों को कि भाई कहते कहीं लॉसेज हो गए। देखिए ईमानदारी से कोई भी काम किया जाए तो प्रॉब्लम क्या होगा, ज्यादा अगर कमाना चाहे तब आपको कष्ट होगा। नहीं, बहुत लोगों का ऐसा होता है ना कि भाई कहते हैं 10 साल कमाए फिर उसका कहते हैं बहुत ऐसा आया मंदी आया, कहते हैं 2008 की मंदी आई थी शेयर बाजार वाला काम नहीं है, ज्वेलरी का तो अलग ही है सर। हाँ, तो शेयर मार्केट में भी ज्वेलरी के तो गोल्ड भी रहते हैं, तो उसके जैसे कोई दिक्कत ना आपको दिक्कत नहीं आई? नहीं नहीं कोई दिक्कत, मतलब आप करते रहे अपने को ग्रो करते रहे अपने से करता रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं आया। तो पहले आप क्या क्या रखते थे, मतलब जैसे कोई करना चाहे तो शुरू में क्या क्या आइटम रखे? जैसे कान का और अंगूठी दो चीज तो मोस्ट है, ठीक है ठीक है, उसका नोज पिन वगैरह हो गया, पायल हो गया, बिछुआ हो गया, ये मोस्ट चीज है जनरली, मतलब इससे स्टार्ट कर सकता है, इससे स्टार्ट कर सकता है। और फिर धीरे धीरे जब वो ब्रांड बढ़े, जब हम लोग लेना शुरू करें तो धीरे धीरे जैसे जैसे कस्टमर विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे आपको ऑर्डर देगा, उसी हिसाब से बनेगा। तो बहुत लोगों की डिमांड रहती है कि शादियों में भी कितने मैं यूज करूँ, हर जगह से मैं ले आऊँ, तो कहते हैं आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मान लीजिए मेरे पास छोटे आइटम है, ठीक ना, मैंने कितने ब्रांड बना लिया, लोग ले जा रहे हैं, पर अब मुझे शादियों में मुझे ज़रूरत है, मतलब लोग डिमांड कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं कितने क्या करूँ? तो जब बिजनेस शुरू करिएगा जहाँ से माल उठाते हैं आप, तो वहाँ विश्वास जम जाएगा, उधार बाकी तो चलता ही है, जैसे जैसे विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे आपका काम बढ़ता रहेगा। तो वहाँ से विश्वास होगा तो आपको उधार वहाँ से मिल जाएगा, आप कस्टमर को देकर वहाँ से पैसा लेकर उसका पेमेंट करें। ओके ओके, मतलब एक तरह से आप ये कर सकते हैं, आप छोटे से चालू कर सकते हैं, धीरे धीरे अपना बनाकर कितने जहाँ से आप माल ला रहे हैं वहाँ पे अपना विश्वास बनाइए। विश्वास बनाने से धीरे धीरे जब वो आपकी ब्रांड बढ़ेगी तो आपको कितने कहीं भी कितने ज़रूरत पड़ेगी, अगर शादियों में ज़रूरत पड़े, होली पे पड़े, दिवाली पे पड़े, तो आप अपना धीरे धीरे माल बढ़ा सकते हैं और फिर उसके बाद अपना ब्रांड को ग्रो कर सकते हैं, साथ में अपने सेल्स को ग्रोथ कर सकते हैं। तो सर इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला है जिस तरीके से मैं अपने कहते हैं एक शॉप खोलूं, फिर दो शॉप खोलूं, तीन शॉप खोलूं, तो इससे क्या कर ये ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए? तो स्टार्टिंग यही ना है कि पहले अपना विश्वास, एक दुकान में जब माल अवेलेबल हो जाएगा, अब माल के आदमी है आपका चीज, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ओके ओके, तो सिचुएशन के हिसाब से मान लो कि छोटा जगह पड़ा, बड़े जगह जाएंगे तो जैसे जैसे एस्टेब्लिश दुकान का होगा वैसे वैसे तो बढ़ोतरी होगा, यही सिस्टम है इसका। तो सर कहते हैं जैसे मार्केट में कहते हैं बहुत से सामान के जैसे गोल्ड के रेट रहते हैं, सिल्वर के रेट रहते हैं, अभी मार्केट गिर भी गया था, आप देख रहे सोना का भाव बहुत नीचे चला गया था, तो उससे दिक्कत कुछ आती है लोग क्योंकि करना चाहते हैं बहुत लोग, तो उस मंदी से कैसे आदमी निकल सकता है? क्योंकि तो आपने देखा होगा अभी जनवरी फरवरी मार्केट रेट बहुत नीचे चला गया था, जो गोल्ड का बिजनेस करता है तो वो गोल्ड से वैल्यू करता है, पैसा वैल्यू नहीं करता है। जैसे 100 ग्राम हमारा पूंजी है, रेट आज मान लीजिए 50,000 से 30,000 हो गया, तो हमारा 100 ग्राम सोना है तो 100 ग्राम सोना बरकरार तो रहेगा ही, कोनो भाव वैल्यू कुछ भी चली जाए, वैल्यू कुछ भी चला जाए पैसे का, सोना का वैल्यू तो वो रहेगा। अब कम पड़ गया तो जो पैसा रखे है उसे और सोना पकड़ लीजिए, आपका रेट हमेशा के लिए नहीं है कि नीचे गिरा रहेगा, बीच में जैसे 28,000 तक हो गया था, 28,000 से 57,000 हो गया, 57,000 से 45,000 हो गया, ये तो चलता ले कर सकते हो, ओवरऑल लेके मेंटेन रहता है, सोना जो है उसमें कोई नुकसान नहीं है, मतलब सोना ऐसा चीज है कितने हैं जो कि पैसे को भी कितने गिरा कर दे, मतलब कि वो उसकी वैल्यू कभी गिरेगी, मान लीजिए 30,000 जब था तो हमने 50,000 का 45 ग्राम सोना खरीदा, ठीक है, अब मान लीजिए 15 ग्राम खरीदे, अभी रेट 45,000 हो जाएगा, तो हम जो सामान बेचे रहेंगे तो फिर वो उस रेट में खरीदेंगे तो हमको तो उसमें नुकसान तो नहीं है। हाँ ये तो बात है, मतलब कि आपको कोई सोना से आकेगा तो पैसे से आकेगा, वो तो कस्टमर पैसा आता है कि हम
50,000 का खरीदे और 40,000 हो गया। हाँ, लेकिन दुकानदार सोना देखता है कि हमारा 10 ग्राम है तो 10 ग्राम का इतना वैल्यू है। बस तो बात सही कहे, यही चीज होता है इसमें। तो अंकल, आपने इस जर्नी में इतना 20 साल का सफर तय किया, तो लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं जो ये चालू करना चाहते हैं अपना बिजनेस? तो लोग देखिए, कोई भी बिजनेस हो, जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस हो, उसमें ईमानदारी और पॉलिसी यही होना चाहिए कि ईमानदारी रहे और सामान सही मिले, तभी आप कस्टमर भले शुरू में स्टार्टिंग में कम मिलेंगे, महंगा पड़ेगा थोड़ा, लेकिन जब ग्राहक जान जाएंगे तो वो भी समझना आगे चल कर काम करेगा। अच्छा, मतलब कि कितनी इस बिजनेस में आपको ईमानदारी की जरूरत है और आपको हार्डवर्क करना है, मतलब कि आपने 20 साल ये कितने अपना अपना हार्डवर्क किए, अपने बिजनेस को बढ़ाए, अपने ब्रांड को बढ़ाए, तब जाकर इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि कितने इनका नाम है। तो आपको भी चालू करना है तो आप छोटे से स्टार्ट कीजिए, अंगूठी से चालू कीजिए, किसी से भी चालू कीजिए, पर चालू कीजिए, पर कम पूंजी में है। कितने मान लीजिए, कितना पूंजी मुझे अभी लगाना पड़ेगा, मैं छोटे से चालू करना चाहता हूँ? तो आपने बोला कम से कम 100 ग्राम 100 ग्राम, मतलब एक 100 ग्राम पर अंगूठी, जाला, छोटा मोटा आइटम सब, पायल और बिछुआ छुई सब। तो पूंजी के हिसाब से ले तो 5 लाख मतलब मिनिमम आपके पास 5 लाख तो होना चाहिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अगर आप कहते हैं ज्वेलरी बिजनेस में आना चाहते हैं तो वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, इससे अधिक आप रख सकते हैं जितना आपके पास हो, पर कहते हैं मिनिमम 5 लाख तो आपको होने चाहिए। तो आप अपने कितने मोटिवेशन बना के रखिए, अपना कितने लगन से काम कीजिए, अगर इस काम में करना चाहते हैं तो पूरी ईमानदारी बनाइए, तभी कितने इस मार्केट में आप आगे बढ़ सकते हैं और अपना कितने आगे कर सकते हैं। तो इसी इंटरव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सर को थैंक यू, आपने इतना कीमती समय दिया और कितने हैं अपने आपको कितने हैं बताया कि 20 साल में आपने कितना ग्रोथ किया। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू वीडियो में और आपको कितने हैं